हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर डिस्कस कर रही हूं, जिसमें मैं आपके साथ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर ही लेते हुए कई सारी सीरीज बनाई हैं और मैंने अपलोड की हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में, जो कि आपके केस स्टडी इन्वॉल्व है, यानी कि एमसीक्यू में केस स्टडी किस तरह आती है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मैंने। एंड आपके साथ मैंने इससे रिलेटेड असर्शन एंड रीजन भी डिस्कस किए हैं। मैच द फॉलोइंग कैसे फ्रेम होते हैं इस चैप्टर के और किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, आज मैं इस चैप्टर का लास्ट सेशन आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन। तो अगर आपने वो पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी है या आपने पुराने मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं टर्म 1 के लिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें, ताकि आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि इसमें कोई केस स्टडी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डैश इज कॉल्ड मार्केटर, इसको हम मार्केटर भी कहते हैं। तो किसको हम मार्केटर कहते हैं? सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर। सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर का मतलब क्या हो गया? वो चीज या वो प्रोडक्ट या वो कोई भी ऐसा मेटीरियल जो कि आपको सेटिस्फैक्शन दे, तो उसे हम मार्केटर कहते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो चाहे वो कोई सर्विस हो। नेक्स्ट आते हैं, कस्टमर इज द डैश ऑफ द मार्केट। ये बहुत इजी है। कस्टमर जो होता है वो किंग होता है मार्केट का, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और मार्केट में उतारे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विद द ऑनसेट ऑफ द थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ थिंग द प्रोसेस ऑफ डैश स्टार्ट। जब हम ये सोचते हैं कि हमें प्रोडक्ट को बनाना है, तभी ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है? योर आंसर विल बी मार्केटिंग। मार्केटिंग ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग आपका प्रोडक्ट बनने से पहले शुरू होता है और प्रोडक्ट बेच देने के बाद तक चलता है। नेक्स्ट आते हैं, डैश स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ये चीज स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के बाद, यानी जब प्रोडक्शन हम कर लेते हैं गुड्स का, तब ये चीज शुरू होती है। क्या चीज शुरू होती है? सेलिंग। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करते हो जब आपकी प्रोडक्शन हो जाती है। डैश पॉइंट ऑफ व्यू लेज स्ट्रेस अपॉन कस्टमर्स वेलफेयर। कौन सा ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो कस्टमर वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देता है? सो योर आंसर विल बी सोशल मार्केटिंग। बहुत जल्दी में आंसर मार्केटिंग मत टिक करिएगा। मार्केटिंग में हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं और यहां कस्टमर वेलफेयर की बात हो रही है। वेलफेयर का मतलब होता है कस्टमर की भलाई, और सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई करें अपने प्रोडक्ट से, फिर चाहे वो प्रोडक्ट आपका सोसाइटी के बेस पर हानिकारक हो या फिर अच्छा हो, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं मार्केटिंग में, राइट? केवल सेटिस्फैक्शन हमारा मेन फोकस होता है, बट वेलफेयर में हम ध्यान देते हैं कि सोशल मार्केटिंग के बेस पर हो, यानी सोसाइटी के लिए भी वो फायदेमंद हो प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग फिलॉसफी। मार्केटिंग फिलॉसफी का ये सेंट्रल पॉइंट होता है। क्या चीज आपका सेंट्रल पॉइंट होता है मार्केटिंग फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं? तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रोडक्ट्स आर नॉट परचेज्ड बट सोल्ड। प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं किया जाता लेकिन बेचा जाता है। विद विच पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस स्टेटमेंट एसोसिएटेड। ये स्टेटमेंट आपकी किससे इसका लेना देना है? सो करेक्ट आंसर इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट इसका मतलब होता है कि हमें प्रोडक्ट को बेचना है, उसे परचेज करने का हमारा कोई एम नहीं, उसको बेचने का एम होता है बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इनमें से मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है? अगर हम ध्यान दें तो हमसे पूछा गया है फंक्शन, ठीक है? तो यहां पे आपका आंसर होगा ऑल द अबव। प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के। एलिमेंट्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, इसलिए केवल यहाँ प्रमोशन मार्क मत करिएगा। ये तीनों ही चीजें होंगी और ऑफ दी अब आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे।
अंडर विच फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मिनिमम। ऐसी कौन सी फिलोसफी है जिसमें हमारा मेन फोकस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करना, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के खर्चा जो हमारा आ रहा है उसको हम कम से कम कर पाए। ये फोकस के साथ अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम कौन से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं? सो योर आंसर विल बी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएं ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम रहे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डनलप। डनलप किसका एग्जाम्पल है? डनलप आपका गद्दे की अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक है? तो यहाँ डनलप कहा गया है, तो ये चीज क्या आपकी दिखा रही है? तो ये चीज आपके प्रोडक्ट में ब्रांड नेम को दिखा रही है, एक ब्रांड नेम है आपका, ठीक है? ब्रांड नहीं होगा, ब्रांड का कोई नाम यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ हमें ब्रांड नेम दिया यानी उसका ही फर्दर टाइप। देन आते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू डैश इज कॉल्ड मार्केट। हम इस चीज को मार्केट भी कहते हैं अगर हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, पुराने व्यू के हिसाब से देखें तो स्पेशल प्लेस हम कहते हैं। हम मार्केट को पुराने समय में स्पेशल प्लेस कहा करते थे। नेक्स्ट आते हैं, द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज इज नोन एज। कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज को, ढेर सारी यूटिलिटीज हैं किसी चीज में, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज प्रोडक्ट कहलाती है। आप ध्यान दीजिएगा, जहां प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वहां पे ये लिखा होगा कि ये आपकी ढेर सारी यूटिलिटीज के कलेक्शन को हम प्रोडक्ट कहते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस इज गिवन टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि इनमें से किस पे हम सबसे ज्यादा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देते हैं? सो योर आंसर विल बी मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, इम्पोर्टेंस दी जाती है। देन नेक्स्ट, अंडर विच कॉन्सेप्ट द कंपनीज push for the betterment of the quality of their products in their efforts for marketing। ऐसे कौन सा आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जब मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि जितनी अच्छी क्वालिटी कर सके मार्केटिंग आपकी उतनी ही बढ़िया हो जाएगी। तो ये चीज आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा मेन फोकस हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर होता है। देन नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अलोन कैन एंश्योर सक्सेस। Which मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दिस व्यू, जिसमें हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि कंपनी की सक्सेस आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का फैक्टर है? प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन। सो ये सभी आपके मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो शेविंग क्रीम यहां बात की गई है, तो ये चीज आपकी प्राइमरी पैकेजिंग में आएगी क्योंकि हमने क्रीम की बात की है, राइट? हम उसकी कोई अगर यहाँ पे बॉक्स मेंशन होता, कार्डबोर्ड मेंशन होता तो हमारा आंसर कुछ और हो सकता था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट शेविंग क्रीम कह दिया गया है, तो वहां पे जो सबसे इमीडिएट एग्जांपल हम देंगे वो हम देते हैं प्राइमरी पैकेजिंग का, जिसमें शेविंग क्रीम आपकी होती है, वेदर इट इज ट्यूब और इट इज अ बॉक्स टाइप या फिर किसी तरह का आपका कोई छोटा सा डिब्बी टाइप हो, तो वो शेविंग क्रीम उसमें रखी जाएगी, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट आते हैं, मार्केटिंग इंक्लूड्स इन इट डैश। मार्केटिंग में ये भी इंक्लूड रहता है। करेक्ट आंसर इज सेलिंग, बाइंग, स्टोरिंग, ये सब कुछ मार्केटिंग में इंक्लूड होता है। स्टोरिंग में आता है वेयर हाउस, बाइंग में आता है, बाइंग तो होता ही आपका मार्केटिंग में, बेचा जा सामान को खरीदा जाता है, और सेलिंग भी बिल्कुल आप सामान को बेचते हो। फॉर अ गुड ब्रांड डैश इज नेसेसरी, एक अच्छे ब्रांड के लिए ये होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? शॉर्ट नेम होना जरूरी है, टू बी मेमोरेबल भी जरूरी है, अट्रैक्टिव डिजाइन भी होना जरूरी है, ये सारी चीजें आपके एक अच्छे ब्रांड के लिए होना जरूरी है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। When the method of sales promotion is adopted in quick session by a company, this reflect dash। अगर बहुत ज्यादा method आपका apply किया जा रहा है, sales promotion बहुत जल्दी में किया जा रहा है, बार बार उसके sessions करवाए जा रहे हैं sales promotion के, तो यानी company क्या reflect कर रही है, company में क्या दिखाई देता है आपको अगर किसी product को लेकर बार बार आपके sales promotion हो रहे हैं, तो यानी कि उस कंपनी में क्राइसिस चल रही है, वो अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्ट डिमांड गेन कर सके। नेक्स्ट आते हैं, सेल्स प्रमोशन इज हेल्पफुल इन मेकिंग डैश इफेक्टिव। सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है आपकी डैश को इफेक्टिव बनाने में। तो सेल्स प्रमोशन अगर हम देखें, बात करें इसका, तो इसका एलिमेंट आपका रहता है एडवर्टाइजमेंट भी और पर्सनल सेलिंग भी, ये दोनों ही चीजें सेल्स प्रमोशन में आती हैं, उसी का एक क्लासिफिकेशन है ये आपका। सो योर आंसर विल बी बोथ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डैश इज कंपलसरी फॉर एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के लिए ये होना कंपलसरी है. क्या होना? एक्सपेंडिचर, एफर्ट, टेलीविजन. तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट में आपका करेक्ट आंसर होगा खर्चा करना और अपना एफर्ट देना, मेहनत करना. ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए. 23rd, डैश रिमूव्स डाउट्स इमीडिएटली. ये चीज डाउट को बहुत जल्दी रिमूव करती है. अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो ये चीज अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो डाउट बहुत जल्दी क्लियर होता है. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग मतलब होता है सामने सेल्समैन है और वह आपको पर्सनली सब कुछ समझा रहा है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो आपके डाउट को भी इमीडिएटली क्लियर कर देता है. डैश डेवलप रिलेशनशिप. इसमें से कौन सा है जो एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है? सो योर आंसर अगेन पर्सनल सेलिंग होगा, क्योंकि सामने आप सेल्समैन से इंटरेक्ट कर रहे हो तो एक आपका बॉन्ड बन जाता है सेल्समैन के साथ. देन आते हैं डैश मेक्स फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल. कहां पे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है? अगेन आंसर विल बी पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपको लगता है कि आपका कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहा है या उसके मन में कोई डाउट है या वो जाने वाला है आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, आप तुरंत अपनी स्ट्रेटजी, एक सेल्समैन तुरंत अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लेता है उसके अकॉर्डिंग, उसके मूड के अकॉर्डिंग. तो ये चीज क्या दिखाती है? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए? अगर कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं और कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. आंसर विल बी पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग ही आपका सेल्समैन आपके उस नए प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझा पाएगा. एडवर्टाइजमेंट हो सकता है उतना अच्छा काम ना कर पाए क्योंकि वो आपके पलट के आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता. सो पर्सनल सेलिंग विल बी योर आंसर. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑफर एक्सपर्ट ओपिनियन टू दी कंज्यूमर. इनमें से कौन सा आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देता है? तो आंसर अगेन पर्सनल सेलिंग होगा. क्यों? क्योंकि पर्सनल सेलर जो होता है वो अपना भी मतलब जैसे एक्सपीरियंस देता है कि मैंने भी ये यूज किया था, ये बहुत अच्छा है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, तो इस टाइप से वो कन्विंस करता है. तो बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन अगर आपको चाहिए रहता है तो पर्सनल सेलिंग में आपको मिलता है. आई होप ये इतने 27 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों आज के सेशन में और आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां मैं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड टर्म वन के जितने चैप्टर हैं आपके ऑल फाइव, वो पांचों चैप्टर में अलग अलग सीरीज बनाकर वीडियोस अपलोड करूंगी. तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए. और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन करें और मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूंगी और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगी. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.